स्टूडेंट मैं ज्योति पाराशर सी एस स्टडी पॉइंट से, और अभी हम आज एज प्रेजेंट वर्किंग इन गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर सेशन 6, और चैप्टर भी हमारा क्या है 6 है, और हमने इसके सेशन 5 में किया था। किसके बारे में हमने किया था बच्चों, कि हम टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू क्रिएट कैसे करते हैं, और टेम्पलेट के जो बिल्ड इन फंक्शंस हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं, या उनकी अपडेटिंग या चेंजेस कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप क्या सीखेंगे आज के सेशन में, हम सीखेंगे कि इम्प्लीमेंट मेल मर्जिंग। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मैं उसको रीड करके आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कंप्लीट कर पाऊँ और समझा पाऊँ अच्छे से। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अभी हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, मेल इम्प्लीमेंट मेल मर्ज के बारे में। ठीक है बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में बच्चों, इम्प्लीमेंट मेल मर्ज के बारे में। अब क्या है इसमें, पहला पॉइंट है हमारे पास क्या है, एडवांस कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग। क्या है, एडवांस कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, अब क्या है मेल मर्ज की, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मेल मर्ज इज़ ए डिफॉल्ट दैट लेट्स यू क्रिएट एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डॉक्यूमेंट टू डिफरेंट रिसिपेंट एंड वाइल द कोर कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड रिमेन द सेम, यू मस्ट माइट You want each copy of document to the specially and the address to each recipient it is used when you want to send a document to documents to many different people. क्या करना है, जब आपको एक सारी फ्यूचर लेस यू क्रिएट ए डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो किसी को, मल्टीपल कॉपीज़ को, सेम डॉक्यूमेंट्स को आपको 100 पीपल्स के पास सेम भेजना है, तो आप क्या करोगे, उसकी जो कॉपीज़ है मेल मर्ज के थ्रू, तो आप क्या कर लोगे, उसको एड्रेस करोगे रिसिपेंट को, और आप उस डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के पास सेंड कर पाओगे। ये बात समझ में आई, मेल मर्ज क्यों यूज़ किया जाता है। मेल मर्ज ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ द कंबाइनिंग मर्ज ए डाटा सिक्योर सोर्स विद डॉक्यूमेंट फाइल टू फाइल्स एंड टू गैदर डॉक्यूमेंट फाइल एंड डेटा सोर्स। टू फाइल्स क्या होती है, डेटा फाइल और डेटा सोर्स आर मर्ज्ड टू क्रिएट ए थर्ड डॉक्यूमेंट। क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अभी यहाँ पे इसने क्या है किया कि ये कहता है कि द यूनिक इन्फॉर्मेशन, ये कहता है द यूनिक इन्फॉर्मेशन सच एज रिसिपेंट नेम एंड कॉमन फ्रॉम द एंट्रीज एंड विद ए डाटा सिक्योर मेल मर्ज इज द वेरी पावरफुल फीचर्स टू क्रिएट ए प्रिंट। क्या है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट सेंड टू बी द लिस्ट ऑफ डिफरेंट रिसिपेंट मेल लेबल्स मेलिंग लेबल एंड द एनवलप। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मेल मर्ज जब हम करते हैं, कहता है क्रिएट ए मेन डॉक्यूमेंट्स, आपको जो भेजना है आप उसको ग्राफिकली या टेक्स्ट जो रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो वे वर्जन में आप मर्ज डॉक्यूमेंट्स में, फॉर एग्जांपल द रिटर्न एड्रेस गेटिंग, आपको वो एड्रेस क्या है लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, कंटेंट कनेक्ट द डॉक्यूमेंट टू द डाटा सोर्स। क्या करोगे, आपको फाइल कंटेन दी है इन्फॉर्मेशन मर्ज इनटू ए डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल द नेम एंड एड्रेस इवेंट ऑफ लेटर, आपको उस लेटर पे लिखना है। एड द प्लेस ऑर्डर कॉल मेल एड्रेस एंड डॉक्यूमेंट्स, जिसको आपको भेजना है आप उस पे मेन डॉक्यूमेंट्स पे फाइल का नाम लिखोगे। मर्जिंग एंड द प्रिंटिंग द डाटा सोर्स विद मेन डॉक्यूमेंट्स, मेल मर्ज इज ए परफॉर्म्ड एंड यू कैन सी द आउटपुट डॉक्यूमेंट आफ्टर मेल मर्ज। तो आप क्या सकते हो, डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो मेल मर्ज की जो फाइल है आप उसको देख सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिखाया हुआ है, देखो ये वाला फिगर,
दिख रहा है इसमें क्या दिया, सोर्स फाइल, सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो आपको सेंड करना है, और आपने आउटपुट में डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को वो चीज़ सेंड कर दी। ठीक है, अब हम आगे चलें तो यहाँ पे देखो हमें डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। उसने कहा पहले हम कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट दिया है क्रिएटिंग ए मेल डॉक्यूमेंट, ओपन ऑफिस राइटर के अंदर जाओगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन करोगे और उसमें हम जो भी हमें सेंड करना है वो हम टाइप करेंगे। मैंने आपको फॉर्मेटिंग करना सिखाया था ना, अब ये आज सेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर मैं कंप्लीट वीडियो सेंड करूँगी कि आपको जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना सिखा दिया था कि उसमें हम फिगर कैसे लेंगे वो दिखाएंगे, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, अब यही आपने जो टेक्स्ट आपने सेंड करना था वो आपने टाइप कर दिया कि कितना मार्जिन से रखना है, लेफ्ट कितना रखना है, राइट कितना रखना है। ठीक है, अब इसने कहा कि जो मेल विजार्ड के किस में जाओगे, टूल के अंदर जाएंगे और टूल में हमें मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। ठीक है, और हम इस पर क्लिक कर देंगे। समझ में आई ये बात बच्चों? अब फिर नेक्स्ट क्या है, आपके पास डायलॉग ऑप्शन होगा, मेल मर्ज विजार्ड विंडो अपीयर ऑन द स्क्रीन, ये अपीयर हो जाएगा। यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, किसके बारे में, करंट डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, फिर आप किस पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे, दिख रहा है आपको। अब क्या है, फिर आप क्या करोगे बच्चे, जिनके पास लैपटॉप है उसे आप वो बच्चे यूज़ करके देखेंगे जिससे उनको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। द यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन एंड देन क्लिक नेक्स्ट सेक्शन, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप विंडो अपीयर ऑन द क्लिक लेटर ऑप्शन देन क्लिक नेक्स्ट। तो क्या करोगे, जब आपने सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टाइपर के बाद क्लिक करने के बाद लेटर क्या होगा, क्लिक कर दोगे, हाईलाइट हो जाएगा और नेक्स्ट पे आप यही देखो फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। फिर आपने क्या करना, क्रिएट ए डाटा सोर्स, आपको डाटा सोर्स क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करोगे, आप कैसे क्रिएट करोगे, मेल मर्ज इज ज्वाइनिंग डाटा सोर्स सच ए एड्रेस बुक इन द स्प्रेडशीट, जो आपको स्प्रेडशीट का जो डाटा है, एड्रेस है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, डेटा क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, ये रिटर्न सोर्स है एंड डाटाबेस कंटेनिंग नेम, एड्रेस, फाइल, मेलिंग लिस्ट सब आपने क्या कर रखा है, बना रखा है उसमें, और वहाँ से आप क्या कर लोगे, एसेस कर लोगे, स्टेप एंड क्रिएट एंड रजिस्टर डाटा सोर्स। आप क्या करोगे, फाइल के अंदर विजार्ड और डाटा एड्रेस पे सोर्स पे क्लिक कर दोगे। देख फाइल पे गए, यहाँ पे गए और डाटाबेस पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब फिर इसके बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस पर हमसे पूछा सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ डाटा बुक एंड सेलेक्ट द एक्सटर्नल डाटा सोर्स एंड क्लिक नेक्स्ट। तो क्या करोगे, एक्सटर्नल डाटा पे क्लिक करोगे और हम किस पे कर देंगे, नीचे लिखा है आपका नेक्स्ट और नेक्स्ट हाईलाइट हुआ है ब्लू कलर से, तो उसको क्या करोगे, नेक्स्ट कर दोगे। फिर एक डायलॉग बॉक्स फिर अपीयर होता है, आफ्टर दैट वो हमसे पूछता है सेटअप द डाटा सोर्स क्लिक सेटिंग, तो आपको जो डाटाबेस की सेटिंग करनी है उस सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपसे पूछा गया है ऑन द डाटा टाइप सेलेक्ट द डाटाबेस टाइप एंड स्प्रेडशीट एंड क्लिक नेक्स्ट, तो आपको स्प्रेडशीट चाहिए, हमारा जो डाटाबेस है किन किन को सेंड किया, स्प्रेडशीट पे आपने क्लिक किया, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल की सीट, क्या है, एक्सेल की सीट आपको चाहिए, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे। फिर हमारे पास एक स्प्रेडशीट ओपन होती है, देखो ये क्या है, नेम है, लास्ट नेम है, फिर एड्रेस है और सिटी है जिनके पास हमें भेजना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या है यहाँ पे जिसके बाद नेक्स्ट विंडो क्लिक ब्राउजर एंड नेविगेट टू बी द स्प्रेडशीट दैट कंटेन द एड्रेस इंफॉर्मेशन द स्प्रेडशीट एंड क्लिक ओपन एंड रिटर्न टू द दिस डायलॉग बॉक्स। क्या होगा, फिर ये डायलॉग ऑप्शन होगा, आपको स्प्रेडशीट का पाथ देना है। ठीक है, फिर ब्राउजर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप क्या करोगे उसके बाद क्या है, तो क्लिक फिनिश, फिनिश पे क्लिक करोगे कि असाइनमेंट क्या है, फिनिश हो गया, फिर अपीयर इन द स्क्रीन, क्लिक नेक्स्ट एंड नोट क्लिक फील्ड असाइनमेंट इज ऑप्शन, जो क्या है कई बार डू नॉट क्लिक एंड द फील्ड असाइनमेंट ऑप्शन, तो हम कई बार क्लिक नहीं भी करते हैं। ठीक है,
आपको डू नोट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट अपीयर होता है हमारे डायलॉग बॉक्स, बच्चों कहता है कि जो क्लिक नेक्स्ट के बारे में, नेम द फाइल इन द लोकेशन फील्ड, उस नेम की लोकेशन, द डिफ़ॉल्ट विल बी द एड्रेस OBD, इस नाम से होगी बच्चों, किससे, OBD एक्सटेंशन होगी OBD। यू कैन रिप्लेस एड्रेस विद द नेम इफ यू विश, यू कैन चेंज द नेम इन एड्रेस बुक नेम। तो आपको एड्रेस बुक में पहले वो चेंज करना पड़ेगा, तब यहाँ पे उसकी पाथ अवेलेबल कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अब देखते हो, ये कहता है ऐड द प्लेस होल्डर कॉल्ड मेल मर्ज फील्ड टू द डॉक्यूमेंट। क्या करोगे, व्यू है, डाटा सोर्स है, ओपन एज ए बिलो, ठीक है। नीचे क्या दिखाया है, डाटा सोर्स लिखा हुआ है ब्लू कलर में, है ना, डाटा सोर्स। डाटा सोर्स के लिए इन्होंने शॉर्टकट कमांड की F4, ठीक है। अब नीचे हमें एक डायलॉग, ये स्प्रेडशीट हमें शो हुई, उसमें लिखा है द सेलेक्ट द डेटा सोर्स, क्रिएट एड्रेस फॉर बाय क्लिकिंग एट द नेम डाटा सोर्स एंड द शेयर वन शो बिलो। तो यहाँ पे क्या है, अपनी एक स्प्रेडशीट क्या हुई, नेम एड्रेस और सिटी, और यहाँ पे क्या है, स्प्रेडशीट वन है, ठीक है। क्लियर हो रहा है बच्चों पॉइंट, अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और बच्चों घर पे रहना है, सेफ रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, तो इसमें कहते हैं ड्रैग ऑल द फील्ड्स ऑफ द डाटाबेस देन ओपन ज्वाइन, ठीक है। तो ये क्या है, इसको ओपन ज्वाइन कर लोगे और यहाँ पे आपको जो मेल करनी है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी जो हमने टाइप की थी, ठीक है। अब उसका व्यू हमें दिखाया है स्क्रीन पे कि कैसा दिखेगा, रिमूव द डाटा सोर्स, हमने रिमूव किया और ये हमारी फाइल है। अब क्या करोगे, यहाँ कहता है मर्जिंग फोर ऑप्शन, स्टेप फोर मर्जिंग एंड प्रिंटिंग डाटा सोर्स विद मेन डॉक्यूमेंट्स। मेन डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग चाहिए, क्लिक है या क्लिक फाइल प्रिंटर्स के बारे में, फाइल प्रिंटर पे गए और नीचे प्रिंटर पे क्लिक कर दिया। फिर हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये कहता है डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ए शो इन द आस्किंग यू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट लेटर। तो हम यस करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा और नो करेंगे तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे बात करें तो यहाँ पे हमारी स्प्रेडशीट है, है मेल मर्ज विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन आस्किंग वेदर यू वांट टू ऐड ऑल द लिंक इन द क्लिक हेयर एंड क्लिक ओपन ओके इन द आउटपुट सेशन क्लिक फाइल टू सेव द मर्ज डॉक्यूमेंट इन ए फाइल देन क्लिक ओके, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे मर्ज द फाइल, देखो सेटिंग दी हुई है सेव द सिंगल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे मर्ज करके यहाँ पे करोगे ओके पे प्रेस करोगे, ठीक है। अब क्या है, और बच्चे मैं बार बार यही कह रही हूँ, अगर किसी के पास लैपटॉप है तो प्लीज़ इन फंक्शंस को रन करके देखना, अदरवाइज़ हम तो कराएंगे ही, फिर भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, इसको सेव भी करना है, क्या करना है, सेव एज विंडो अपीयर स्क्रीन कैन बी फाइल इन द मर्ज्ड कम्युनिकेशन एंड क्लिक सेव। यहाँ पे आप सेव फाइल का नाम लिखोगे, किस ड्राइव में सेव करना है वो चूज़ करोगे और उसको सेव कर लोगे, किसके अंदर, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर। फिर हमारे पास क्या है, कहता है क्लोज द मेन डॉक्यूमेंट फाइल ब्राउजर द दिस CP एंड माई कंप्यूटर एंड डबल क्लिक टू ओपन द मर्ज्ड फाइल एंड द मर्ज कम्युनिकेशन द मर्ज फाइल इज डिस्प्ले शो फॉलो। तो डिस्प्ले फॉलो हो रही है, ये मेथड्स हैं, ये हमारी डिस्प्ले हो रही है, हमने क्या लिया है, जो स्क्रीन ली है, समझ में आ रही है, हमें ये सेंड करनी है एज ए लेटर के तौर पे। बच्चों अभी हमने क्या जाना कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स पर पे, पहले तो हमें डॉक्यूमेंट्स पर पेयर करना है, हमें कैसे टाइप का सेंड करना है, कब करना है, किन किन लोगों से करना है। फिर हमें एक स्प्रेडशीट से सेट करनी है कि जहाँ पे उनका नाम, लास्ट नाम, क्या एड्रेस और मोबाइल नंबर होंगे, तो हम इस डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। कंप्रेस करने के बाद आफ्टर ऑल आप उसको क्या करोगे, सेंड कर दोगे और अपने PC में भी सेव कर लोगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ,
आई होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा और इसका प्रैक्टिकल वर्क भी देखेंगे। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।